अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खोया रेसिपी, मावा रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से। यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 कप घी, ये देसी घी है, 1/2 कप मिल्क, 1 कप मिल्क पाउडर। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, घी ऐड कर लेंगे। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर मावा नहीं मिलता, जैसे इंडिया और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं, तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है खोया की, जो मिल्क पाउडर से रेडी होता है। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। घी गर्म होने के बाद हम ऐड कर लेंगे मिल्क। हाफ कप मैंने मिल्क लिया है, अच्छे से स्टिर कर लेंगे। 1 कप मैंने भरकर मिल्क पाउडर लिया है। ये पॉइंट पर मैं ऐड कर लूँगी मिल्क पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू चम्मच को चलाएंगे और फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो रखेंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है। कंटिन्यू चम्मच को चलाएंगे जब तक कि हमारा जो खोया है वो फ्राई पैन से अलग ना होने लगे। आप देख सकते हैं हमारा खोया बिल्कुल फ्राई पैन से अलग हो रहा है। खोया हमारा रेडी है। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। पैन को हम हटा लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने खोया डिश आउट कर लिया है, ये अभी गर्म है। आपको मैं इसको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन दानेदार खोया हमारा बना है। ये ठंडा होने के बाद हमारा खोया आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन है, एकदम दानेदार सा खोया बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।